सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। रास्ते सही होना चाहिए क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्तों में मिल जाती है। वक्त तेरा लाख शुक्रिया, जो भी सीखा तुझसे ही सीखा है। हमेशा जिंदगी में ऐसे लोग को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। दुख आता है तो अटक जाते हैं लोग, सुख आता है तो भटक जाते हैं लोग। आज का पंचांग 18 जून 2023 दिन रविवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि सुबह 10:07 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मृगशीर्षा नामक नक्षत्र शाम 6:06 तक रहेगी। इसके उपरांत आद्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:26 से 7:07 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:53 से 12:46 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी मिथुन राशि पर ही रहेंगे। मिथुन राशि 18 जून 2023 दिन रविवार, यात्रा जैसे कुछ नए अवसर आपके इंतजार कर रहे हैं। पत्र ईमेल द्वारा प्रभावी ढंग से संवाद करने या वार्तालाप करते समय सावधान रहें। छोटे भाई के बारे में कोई चिंता आपको तनाव दे सकती है। किन्हें ऐसी गतिविधियों में जाएं जो आपको खुशी दे, जैसे कोई कॉन्सर्ट या शो। वातावरण बहुत खुशनुमा है। आज आप सही दिशा पा सकती हैं जिससे आप सही कदम उठाएंगे और विजय की तरफ दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ेंगे। एक शक्ति महसूस करेंगे और इस शक्ति का प्रयोग अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए करें। याद रखें, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है क्योंकि असंभव में भी संभव शब्द आता है। सामाजिक तथा समिति संबंधित गतिविधियों में आपका योगदान रहेगा। व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में कुछ मुश्किलें सामने आएगी, परंतु आप अपने आत्मविश्वास व दृढ़ निश्चय द्वारा उनका समाधान भी आसानी से ढूंढ लेंगे। युवाओं को कोई उपलब्धि मिलने से उनमें गजब का उत्साह रहेगा। जीवन में नई शुरुआत होगी जिससे आपका उत्साह बना रहेगा। पुरानी गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। कुछ नई बातें समझने में वक्त लग सकता है। यदि बातें आपके विचार या मन के विरुद्ध हो रही है तो तुरंत बदलाव करने की कोशिश ना करें। इन बातों की अहमियत आपको आगे चलकर मालूम होगी। फिलहाल जो बातें वर्तमान के लिए महत्वपूर्ण है केवल उन पर ध्यान दें। व्यापार संबंधित नई शुरुआत तुरंत लाभ दिला सकती है। लव रिलेशनशिप की चर्चा बाहरी लोगों के साथ ना करें। सावधानियां, भाई बहनों के साथ रिश्तों में मिठास रखने में आपका योगदान जरूरी है। ज्यादा रोक टोक की वजह से बच्चों के मनोबल में कमी आ सकती है, इसलिए बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से उनसे इसीलिए बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से उनके साथ व्यवहार करें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। बात करते हैं लव लाइफ की। एक छोटी और रोमांटिक यात्रा आपके लव लाइफ को नई रोशनी प्रदान करेगी। छोटे भाई बहन या किसी खास रिश्तेदार से सोशल मीडिया, पत्र या फोन के माध्यम से हुई बातचीत आपको खुश कर सकती है। बड़े कदम उठाएं और मजबूत दृढ़ संकल्प के साथ जीवन में अपना ध्यान केंद्रित करें। यह न केवल आपके कार्यस्थल बल्कि आपके रोमांटिक जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालेगा। आपकी लव लाइफ इससे शांतिपूर्ण और प्रेममय बनेगी। पूरे जोश और उत्साह से अपने जीवन के इस लम्हों का स्वागत करें। बात करते हैं करियर की। अगर आप व्यापारी हैं तो आज व्यावसायिक परेशानी या धन का घाटा हो सकता है। यह कार्यकर्ता या छोटे भाई बहन आपके लिए सहयोगी और प्रेरणा के स्रोत हैं। उनकी सलाह पर गौर करें, लाभ होगा। करियर के लिए अपने संबंधों को दांव पर लगाना समझदारी नहीं है। इस वक्त दुनिया की ऊर्जा आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आप अभी ऊर्जा से भरपूर हैं, किंतु अपनी इस ऊर्जा का प्रयोग सही दिशा में करें। अगर आप विफलता का सामना अच्छे से करते हैं तो यह आपको शिक्षा ही प्रदान करेंगे। आपका शांत स्वभाव आज आपको आराम देगा और आपको तारीफों का पात्र बनाएगा। बात करते हैं सेहत की। कभी कभी बहुत अधिक कार्यभार की वजह से मानसिक और शारीरिक थकान रह सकती है।
स्वस्थ रहने के लिए समय समय पर उचित आराम लें। शारीरिक कमजोरी भी हो सकती है। आज का उपाय, सूर्य देव को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय सूर्य मंत्रों का जाप करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।